अध्याय 11 बुराई का किंग दशानन। रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। हम लोग विजयदशमी के दिन उसका पुतला जलाते हैं। इस एकांकी में बताया गया है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। पढ़कर देखो क्या कहता है रावण। पात्र परिचय। दशानन रावण का पुतला। कॉलोनी के बच्चे अभिनव, स्मिता, मालव, स्नेहा, नयन, वंशिका और कुश। रावण दहन का दिन है। मोहल्ले में बने रावण के पुतले के पास ये सभी बच्चे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तभी अकस्मात रावण का पुतला अपनी आंखें खोल देता है। मालव मुस्कुराते हुए, क्या परेशानी है रावण अंकल? आपने अपने नेत्र अचानक क्यों खोल दिए? कुछ कहना चाहते हैं? रावण, हाँ, तुम्हें तो मालूम है प्रतिवर्ष जलने से पूर्व मैं तुम लोगों से कुछ बातें अवश्य करता हूँ। वंशिका, जल्दी करो अंकल जी, हमें देर हो रही है। रावण, चिंता मत करो, केवल एक प्रश्न पूछूंगा। नयन, चलिए पूछिए। रावण मुस्कुराते हुए, मेरा प्रश्न है कि इस दुनिया का किंग यानी राजा कौन है? स्नेहा, वही जो सबसे शक्तिशाली हो। अभिनव, मैं बताऊं? सिंह इज किंग। रावण मुस्कुराते हुए, अच्छा, फिल्मों के बहुत शौकीन लगते हो। अभिनव, नहीं, मेरा मतलब था सिंह यानी शेर ही राजा है। रावण, वो बेचारा अब राजा कहाँ रहा? मनुष्यों के कारण उसका अपना जीवन ही खतरे में पड़ गया है। कुश तत्परता से, मैं बताऊं अंकल, गॉड इज किंग। रावण, अरे वो तो सबसे शक्तिशाली है मगर ऊपर रहता है, उसकी बात छोड़ो। स्मिता, नहीं अंकल, नेता इज किंग। आजकल तो नेता ही राजा, महाराजा, अन्नदाता सब कुछ है। रावण मुस्कुराते हुए, हाँ, नेतागण, पर वे राजा नहीं कहे जा सकते। मालव सोचते हुए, फिर कौन हो सकता है? रावण मुस्कुराते हुए, चलो मैं ही बता देता हूँ। सुनो, रावण इज किंग। सब बच्चे खिलखिला पड़ते हैं। कुश, क्या अंकल अपनी तारीफ खुद ही? रावण, नहीं बच्चे, मैं सचमुच शक्तिमान हूँ, ताकतवर हूँ। वंशिका, मगर कैसे? रावण, वो ऐसे कि मैं सबके दिल पर राज करता हूँ, सबके मन के अंदर मौजूद रहता हूँ। अभिनव, मेरे मन में भी? रावण, हाँ, सबके। अरे भाई, तुम में से प्रत्येक के मन में एकाध बुराई अवश्य होगी, बस वही बुराई मेरी प्रतिनिधि है, यानी मैं हूँ। नयन, मुझे लगता है रावण अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रावण, हाँ, मैं बिल्कुल उचित कह रहा हूँ, यकीन न आए तो अपने दिल में झांक कर देख लो। मैं प्रत्येक प्राणी में मौजूद रहता हूँ, किसी में कम किसी में अधिक। ये बात अलग है कि बच्चों में मेरा अंश कम होता है। जिस दिन बुराइयाँ हट जाएंगी मैं भी असल में दहन हो जाऊंगा। अब तो मानोगे ना, रावण इज किंग। स्नेहा, हाँ अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन रावण बहुत बुरा था। चलिए, आपकी बात हमने स्वीकार कर ली, अब आपको दहन करें? रावण मुस्कुराते हुए, हाँ करो, मगर करेगा कौन, इसका तो फैसला कर लो। अभिनव, हम लॉटरी निकालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वही आपको अग्नि देगा। रावण, नहीं बच्चे, ऐसा नहीं। मेरे विचार से ऐसा करो, जिस बच्चे में सबसे कम बुराई हो वही मुझे जलाए। स्मिता, मगर इसका पता कैसे चलेगा? रावण, बहुत आसानी से, देखो
जो बालक जितना छोटा होता है बुराई से वो उतना ही दूर रहता है, यानी मेरा अंश उसमें कम से कम मात्रा में होता है। मालव, यहाँ वहाँ देखते हुए, फिर तो सबसे छोटा यहाँ कुश है, वही आपको अग्नि देगा। रावण प्रसन्नता पूर्वक, हाँ बहुत आनंद आएगा, किसी युग में राम ने मेरा संहार किया था और अब उनका पुत्र कुश मेरा दहन करेगा। वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलो बेटे कुश, आगे बढ़ो। रावण आंखें मूंद लेता है, जलती हुई मशाल लेकर कुश रावण के पुतले की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे पर्दा गिरता है।